बैट पॉलिनेशन अपने आप में काफी यूनिक है। रीजन ये है कि ये सबको पता है कि जो बैट्स हैं कैसे हैं, ये नॉक्टर्नल है, मतलब इनकी मैक्सिमम एक्टिविटी आपको कब देखने को मिलेगी, नाइट के टाइम में। तो एक और पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के सामने आया कि जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं उनका पॉलिनेशन कराने में ये बैट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम इस इमेज की बात करें तो थोड़ा ब्लर है, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपको सिर्फ एक बात समझानी है। आपको जो बैट यहाँ पे दिख रहा है आपने नोटिस करा होगा और आप जानते भी हैं कि इसके जो फेस का जो शेप है ना, ऐसे स्टाउट शेप है, दिख रहा है सबको आगे की तरफ ऐसा कोनिकल जो हो जाता है वैसे स्टाउट शेप्ड है। यही पे हैरानी की बात क्या है कि जो आपको यहाँ पे फ्लावर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, फ्लावर नजर आ रहा है, ये फ्लावर भी कैसा है यहाँ पे, ठीक उसी तरीके से ये भी स्टाउट शेप है, ताकि ये जो बैट है ये इजिली यहाँ पे जाए इसके अंदर और इसका पूरा का फेस जो है वो पॉलिन ग्रेन से कवर हो जाता है और एक नेक्टर, एक फ्लावर के नेक्टर को लेने की कोशिश करी इस बैट ने, फिर दूसरे फ्लावर, तीसरे फ्लावर, चौथे फ्लावर, ऐसे जाते जाते क्या होता है ये पॉलिनेशन करा जाता है, इसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो हम लोग वही यहाँ पे बैट पॉलिनेशन देख रहे हैं और ये जो बैट पॉलिनेशन है इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक टर्म जो है वो सिखा रखा है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बैट पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कायरोटेरोफिली। ठीक है, बैट पॉलिनेशन को हम लोग कायरोटेरोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पे अबाउट 250 स्पीशीज ऑफ बैट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेटा नहीं है बट हाँ ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है तो है, दैट इज 25% इंक्लूड सम पॉलिन नेक्टर ऑफ फ्रूट इन देयर डाइट, मेनी पॉलिनेट फ्लावर्स एज पार्ट ऑफ देयर फीडिंग, मतलब उनको पता भी नहीं चलता, वो तो अपने फीडिंग की वजह से इधर से उधर उधर से उधर मूव कर रहा था लेकिन उस चक्कर में उसने क्या करा दिया, पॉलिनेशन करा। देन जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अभी एक एक लास्ट, इसके बाद मैं आपको बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का फीचर बताऊंगी, मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा डिफर करेगा, क्या डिफर करेगा बताऊंगी मैं आपको। तो ऐसा भी तो है नहीं कि बैट का साइज जो है बहुत ज्यादा छोटा है, अच्छा खासा प्रोमिनेंट साइज है इसका, इसका मतलब है कि जो फ्लावर है उसको भी कैसा होना पड़ेगा, लार्ज स्ट्रॉन्ग फ्लावर होगा इसका, बहुत ज्यादा अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस करे। फ्लावर्स जो नाइट ब्लूमिंग है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डल कलर्ड फ्लावर ही होते हैं, क्योंकि कैसे हैं ये नाइट में ओपन होने वाले हैं, नाइट ब्लूमिंग ये फ्लावर्स है। और इसके पास एक स्पेशल पॉइंट क्या है, इनके फ्लावर्स में से जो बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें से रॉटन फ्रूट लाइक स्मेल आती रहती है, क्या आती रहती है, रॉटन फ्रूट लाइक स्मेल आती रहती है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि किस टाइप की पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स हैं वो रॉटन फ्रूट लाइक स्मेल जो है वो रिलीज करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, बैट पॉलिनेशन। बैड पॉलिनेशन हाँ, बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है इनके पास क्या होता है, एक फ्लावर के नीचे भी एक स्पेशल फोलिएज होता है जो कि इनको क्या करेगा, सपोर्ट देने का काम करेगा बैट्स को। और एग्जाम्पल के बारे में जब हम लोग बात करें तो कॉमन से एग्जाम्पल है बनाना, मैंगो, सीसल, कपोक फ्लावर्स, ये किसके द्वारा पॉलिनेटेड होंगे, बैट्स इनको पॉलिनेट करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। यस हाँ।